संजय दत्त की लाइफ किसी से छुपी नहीं है, क्योंकि संजू बाबा ने कभी अपनी लाइफ को लोगों से छुपाया नहीं। और फिल्म संजू में भी लोग संजू बाबा की लाइफ के कई राज को जान भी चुके थे। लेकिन फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज एक्ट्रेस नरगिस और मशहूर एक्टर सुनील दत्त के बेटे संजय दत्त का बचपन बहुत सुनहरा था। संजय दत्त की हर नवाबी शौक पूरी की जाती थी, उनकी हर ख्वाहिश में सांसें भरी जाती थी और बेहद लाड़ प्यार से बड़े हो रहे संजय को माता पिता से खूब दुलार मिलता था। मगर कुछ वक्त बीतने के बाद संजय गलत आदतों की तरफ बढ़ने लगे और बहुत छोटी उम्र से ही संजय ने सिगरेट पीना शुरू कर दिया था। एक टीवी शो में संजय दत्त अपने पिता सुनील दत्त के साथ पहुंचे थे और इस दौरान संजय ने जो खुलासे किए थे उसे सुनकर हर कोई दंग रह गया था। उन्होंने बताया था कि जब उनकी उम्र 10 साल से भी कम थी उन्हें सिगरेट की आदत लग गई थी। एक वाक्या याद करते हुए संजय ने बताया था कि एक बार उनके घर पर पार्टी चल रही थी, डैड और उनके कुछ दोस्त सिगरेट पीकर फेंक रहे थे और वो वहीं नीचे लेटकर उन अजली सिगरेट को जमा करके पी रहे थे। इस हादसे के बाद सुनील दत्त को बेटे संजय की फिक्र होने लगी और वो नाराज रहने लगे। अंदेशा इतना बढ़ गया कि संजय को बोर्डिंग स्कूल तक भेज दिया गया। संजय दत्त वहां 10 साल तक रहे थे, लेकिन घर के लाडले बेटे संजय का विवादों ने भी कभी पीछा नहीं छोड़ा। संजय दत्त सिगरेट के अलावा ड्रग्स का भी शिकार हो गए थे। काफी मेहनत के बाद वो नशे से आजाद हुए थे और अमेरिका में नशा मुक्ति केंद्र में वो एडमिट भी रहे थे। आपको बता दें कि संजय दत्त ने साल 1981 में आई फिल्म रॉकी से बतौर हीरो अपनी फिल्मी सफर की शुरुआत की थी। हालांकि संजू बाबा ने अपनी लाइफ में वाकई में बहुत कुछ देख लिया है और हाल ही में खुद कैंसर से लड़कर उन्होंने साबित कर दिया कि वाकई में संजू बाबा शेर है शेर। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।